जय हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान रोडवेज पथ परिवहन निगम लिमिटेड भर्ती 2024 को लेकर के ताज़ा खबर आई है साथियों। उस खबर को हम आपके साथ अच्छे से साझा करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। राजस्थान रोडवेज में साथियों नई बसें लेने की चर्चा की है और कर्मचारी लगाने की चर्चा की है। उप मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश जारी कर दिए हैं साथियों, भर्ती के आदेश भी जारी कर दिए हैं और जो है हमारे कंडक्टर ड्राइवर टेक्निकल टीम इनकी भर्ती की जाएगी। राजस्थान के रोडवेज बेड़े में नई बसें आ रही हैं साथियों, उनके लिए कर्मचारी लगाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी कर दिए हैं जिसकी सूचना आई है, ताज़ा खबर है, आज ही की ताज़ा खबर है। हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी सारी जानकारी को देख लेते हैं, जो ताजा खबर आई है उसको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। राजस्थान रोडवेज पथ परिवहन निगम भर्ती 2024 आरएसआरटीसी परमानेंट भर्ती, कंडक्टर ड्राइवर भंडार सहायक टेक्निकल टीम, इन सभी की भर्ती होगी साथियों। परमानेंट वाली भर्ती है जिसमें परीक्षा होगी। अगर आप परीक्षा दे के लगोगे तो परमानेंट रहोगे, फिर कोई नहीं अठाई आपको और आराम से बढ़िया तनख्वाह मिलेगी आपको। समझ रहे हो साहब? बिल्कुल साहब। उप मुख्यमंत्री ने दिए भर्ती के आदेश। हाँ जी, उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम ने भर्ती के आदेश भी जारी कर दिए हैं कि हम कर्मचारी भी लगाएंगे। बहुत काफी लंबे समय से रोडवेज डिपार्टमेंट है जो कर्मचारियों की तंगी चल रही है। रोडवेज में बसें भी नहीं है, खटारा बसें हैं जो खड़खड़ करती हुई चलती हैं और वो अपना लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाती हैं। इस वजह से रोडवेज का बेड़े अब बेड़ा पार हो जाएगा भाई सबका, ठीक है। उस बेड़े में आ रही है 1300 नई बसें, तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। इतनी सारी बसें आएंगी तो उनको चलाने के लिए ड्राइवर भी चाहिए, कंडक्टर भी चाहिए, मिस्त्री भी चाहिए, पंचर कार्ड वाला भी चाहिए और के चाहिए भाई, और भी मेंटेनेंस करवाला भी चाहिए, इंजन बांध वाला भी चाहिए, सारा ही चाहिए, समझगा। तो आईटीआई वालों के लिए भी यहाँ पर मौका मिल जाएगा और तुम्हारे कंडक्टर लाइसेंस वाले हैं तो उनको कंडक्टर का मौका है। रोडवेज में ड्राइवर के लिए हैवी लाइसेंस वाले हैं जिनको ड्राइवर का मौका मिलेगा। तैयारी करनी पड़ेगी, परीक्षा पास करनी पड़ेगी, उनके बाद नौकरी लागूगा, फिर परमानेंट बनोगा थे, समझगा। 35-40 हज़ार रुपया था महीना का मिलेगा, बहुत ही शानदार नौकरी है आराम से, ठीक है जी। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम का जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके सीधा हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसकी पूरी चर्चा देख लेते हैं। विधानसभा में यह बात हुई है भाई, परिवहन विभाग की 19 विधायकों ने रखी मांगे, बजट हुआ पास। यानी कि विधानसभा में जो परिवहन विभाग है, इस परिवहन विभाग के ऊपर 19 विधायकों ने चर्चा की है और इसका बजट पास हो गया है साथियों। यानी कि 19 विधायक हैं जो एमएलए हैं, 19 उन्होंने रोडवेज विभाग की चर्चा की है विधानसभा में, ठीक है ना, कि भाई इसके ऊपर भर्ती भी होनी चाहिए, बसें भी आनी चाहिए, कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए, समय पर वेतन भी मिलना चाहिए। ये सारी बातें हुई है वहां पर, 19 एमएलए ने मुद्दा उठाया है साथियों, तब जाकर इसका बजट पास हो पाया है। बिल्कुल साहब, रोडवेज को देंगे 1300 नई बसें, डिप्टी सीएम ने कहा है दोस्तों। डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री जी जो तुम्हारे बैरवा जी हैं, उन्होंने कहा है कि हम 1300 नई बसें देंगे रोडवेज को और फिर उसमें कर्मचारी भी लगाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी ने कहा कि रोडवेज के बेड़े में 1300 नई बसें शामिल की जा रही हैं, इनमें से 300 इलेक्ट्रिक बसें हैं साथियों, 300 तो इलेक्ट्रिक बसें हैं, समझ रहे हो, जो 60 करती जाएंगी चुपचाप ही, वो हैं 300 तो इलेक्ट्रिक चलेंगी जो बिजली वाली वैसे, ठीक है ना, तेल ताल का सिस्टम कौन है फिर, हाँ तो वो रहेंगी। और ये जो खबर है, ये खबर आपको कहाँ पर मिलेगी? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें होती हैं, जो भी नोटिफिकेशन होती है, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं भाई, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलेगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, सारा का सारा प्रूफ थाने उड़े ही मिलेगा भाई। 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधायुक्त बस स्टैंड का निर्माण होगा, 14 स्थानों पर बस स्टैंड विकास कार्य करवाए जाएंगे।
यानी कि नए बस स्टैंड बस डिपो भी बनाए जाएंगे और जो पहले से बने हुए हैं उनकी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी, है ना, उनकी भाई जो भी टूट फूट है उसको सुधारा जाएगा, उसको सही किया जाएगा, मेंटेनेंस बढ़िया किया जाएगा उनका। ठीक है साहब, रोडवेज की प्रशासनिक और संचालन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कार्मिकों की भर्ती भी की जाएगी, यानी कि साथियों कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। कार्मिकों का मतलब होता है कर्मचारी और कर्मचारी का मतलब होता है बेरोजगारों को मिलेगा मौका यहां पर जॉब पाने के लिए। साथियों परमानेंट भर्ती आएगी जिसमें एग्जाम होगा, और जो तुम्हारा कंडक्टर है उसके तो आप सभी को पता है 12वीं पास और कंडक्टर का लाइसेंस चाहिए साहब। अब कंडक्टर का लाइसेंस कैसे बनता है सबको पता है, हमने वीडियो बना रखी है स्पेशल, ठीक है, सर्च कर लेना यूट्यूब पे खोल करके रोडवेज का कंडक्टर लाइसेंस कैसे बनवाएं ओम वीर रोजगार ऐसे सर्च कर लेना, अपने आप वीडियो आ जाएगी उसको देख लेना। और जो ये तो है 12वीं पास और 10वीं पास किनको है, ड्राइवर, 10वीं पास ड्राइवर और उनके पास में हैवी मोटर व्हीकल वाला लाइसेंस होना चाहिए साथियों, ठीक है। और जो टेक्निकल है इन टेक्निकल के लिए आईटीआई चाहिए साथियों, आईटीआई वाले सभी साथी टेक्निकल में जा सकेंगे। अभी इसकी भर्ती नहीं आई है, अभी इसका नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, अभी क्या आएगा साहब, नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा हम आपको साझा कर देंगे, सूचित कर देंगे, सूचना दे देंगे आपको, ठीक है साहब। वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज में 50% किराया फ्री, 60 70 80 साल के जो भी नागरिक हैं उनको रोडवेज में फ्री किराया है 50%, यानी कि आधो ही किराया लगेगा, ठीक है साहब। राज्य के विभिन्न बस स्टैंड बस डिपो उनमें रिपेयरिंग का काम होगा, मेंटेनेंस और जन सुविधाओं के लिए बजट का प्रावधान किया गया है साथियों। जो भी पुराने बस स्टैंड है बस डिपो है बस अड्डे हैं उनको सही किया जाएगा, मरम्मत करवाई जाएगी, नए करवाए जाएंगे, डेंटिंग पेंटिंग करवाई जाएगी ताकि जो नई बसें हैं वो आएंगी, आते ही फिर सवारियां शुरू हो जाएंगी, कंडक्टर ड्राइवर मिस्त्री जो भी हैं वो लगाए जाएंगे और फिर साथियों उनके जो बस डिपो हैं उनको यूज लिया जाएगा, उनको अच्छी सुविधा से युक्त किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी ताजा खबर जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है और आपको सारी बातें बता दी है साथियों, क्योंकि डिप्टी सीएम जी ने आदेश दिए हैं कि कर्मचारियों की भी भर्ती की जाएगी, इसलिए मैंने आपके साथ ये सूचना साझा की है ताकि मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकूं कि अब डिप्टी सीएम जी ने भी ये आदेश जारी कर दिए हैं कि हम रोडवेज में भी भर्ती निकालेंगे साथियों, ठीक है जी। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।